ज्यादातर लोग ये सोच रहे होते हैं कि माजिद भाई पुर्तगाल में सैलरी कितनी है, तो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ पुर्तगाल के अंदर 705 यूरो का है, और 705 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट जो है ये हर साल जो है 50 यूरो इसमें एडिशन होता है हर... हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप दोस्तों आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। एक भाई ने मुझसे बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल किया कि माजिद भाई पुर्तगाल में 705 के बाद 760 यूरो सैलरी होने वाली है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई इस वीडियो में मैं इस बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले डेली व्लॉग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मौसम है और ये गार्डन बना हुआ है जहाँ पे जो है बच्चे इस टाइम खेल रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यार इमिग्रेशन जो है उसका पुर्तगाल में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। जितने भी लोग ज़्यादातर हैं उनकी नज़रें पुर्तगाल में होती हैं इमिग्रेशन के हवाले से। तो जब आप लोग यहाँ पे इमिग्रेशन अप्लाई करने आते हैं या इमिग्रेशन के हसूल में लग जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपने पुर्तगाल में रहना है और रह के काम करना है। तो ज़्यादातर लोग ये सोच रहे होते हैं कि माजिद भाई पुर्तगाल में सैलरी कितनी है, तो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ पुर्तगाल के अंदर 705 यूरो का है, और 705 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट जो है ये हर साल जो है 50 यूरो इसमें एडिशन होता है। हर साल के बाद जो है 50 यूरो सैलरी यहाँ पे बढ़ती है। सैलरी बढ़ने के साथ यहाँ पे अखराजात भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि कोई 1 यूरो 10 सेंट की चीज़ है तो वो 1 यूरो 20-30 सेंट की हो जाएगी। तो ज़ाहिर है अगर सैलरी बढ़ेगी तो अखराजात भी बढ़ेंगे। अभी जो है फ़िलहाल ऐलान यही है कि जिस तरह 2023 स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं भी जॉब कर रहा हूं तो मुझे यही पता चला है कि 2023 जिस तरह स्टार्ट होगा 50 यूरो आपकी नेक्स्ट जनवरी की जब सैलरी आएगी उसमें एडिशन होकर आएगा। गवर्नमेंट ने यहां पे जो है हर साल 50 यूरो ऐड करती है। तो वो भाई ने बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल किया कि भाई सैलरी जो है इंक्रीज़ हो रही है, जब सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी तो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट जो आप लोगों को मिलेगा वो 750 या 760 यूरो का मिलेगा, और उसके बाद जो है आपकी सैलरी एग्जैक्ट 755 या 760 नहीं बनेगी। उसमें अलाउंस होते हैं, उसमें डिफरेंट जगहों पे आपकी स्किल की डिमांड होती है, वर्किंग आवर्स होते हैं और कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है मिनिमम जिसके हिसाब से आपका टैक्स जाता है वहाँ पे। अभी जो है इंतज़ार करेंगे, इंशाल्लाह जैसे सैलरी बढ़ जाएगी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि किस किस चीज़ में इजाफ़ा आया है, जैसे रेंट में, और सुना है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के कार्ड वगैरह हैं ये चीज़ें जो हैं उसमें भी जो है आपका जो है इजाफा आएगा, आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये हर साल होता है। कुछ लोग दोस्त पुराने वो बताते हैं जब वो आए थे तो तब 600 थी, उसके बाद 650 हुई, फिर 700 हुई, और अब जो है 755 होने वाली है सैलरी। तो जितने लोग भी आ रहे होंगे वो उनके दिमाग में यही होगा कि 755 को पाकिस्तानी करेंसी में मल्टीप्लाई करें और देखें पाकिस्तानी करेंसी में कितने पैसे बनते हैं। और कुछ दोस्त ये भी बोलते हैं कि यार 705 यूरो में पुर्तगाल जैसे कंट्री में सर्वाइव करना वो ईजी है या मुश्किल है। तो भाई एक बात मेरी याद रखें, सबसे पहले यूरोप के अंदर आपका डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पैसा। पैसा यूरोप में कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लीगल स्टेटस में काम करके डॉक्यूमेंट लेके पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहला फोकस आपका जो है डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए, उसके बाद जो है पैसे पे होना चाहिए। तो 705 अगर यहाँ पर है तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप गुजारा अच्छे से कर सकते हैं। तो 755 में गुजारा किस तरह होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली जितने भी लोग आ रहे हैं सबको पता चल गया होगा कि भाई 50 यूरो का आप लोगों को फ़ायदा ही होने वाला है यहाँ पे। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।